Hello students, good afternoon to all of you. I am Shantanu Kumar Sharma, Assistant Professor, Engineering College Jhalawad. As we all know that due to this pandemic situation of COVID-19, we are unable to running classes in college. That's why we are providing online lecture to facilitate students' study. Today we are going to study about electric traction system, which belongs to the utilization of electrical power subject. Basically, the electric traction system is a system where the electrical energy is used. We study about the utilization of electrical power in different systems or different ways. Here we are discussing the electrical utilization of electrical energy in the electric traction system. So before study about the electric traction system, we need to know about what is the traction system. The process of moving any vehicle is called traction. किसी भी vehicle को move करवाना वो कहलाता है traction. Basically एक किसी भी vehicle के movement के लिए आपको क्या चाहिएगा, आपको चाहिए एक driving force चाहिए, जिसे अपन tractive force भी बोलते हैं. एक ड्राइविंग फोर्स चाहिएगा, वो ड्राइविंग फोर्स क्या करेगा, आपके व्हीकल को मूव करवाएगा. तो किसी भी व्हीकल को मूव करवाने के लिए आपको ड्राइविंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, जिसे अपन बोलते हैं ट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं. तो ये जो ड्राइविंग फोर्स या ट्रैक्टिव फोर्स है, ये आप कैसे अकर कर रहे हो, कैसे ऑब्टेंड कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रैक्शन सिस्टम किस टाइप का है. जैसे मान लो, अगर इफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज इन द प्रोसेस, it is called the electric traction. And if the electrical energy is not used and any mechanical energy or mechanical system is used for movement of the vehicle, for moving the vehicle, just like the steam engine, IC engine, agar apan by hand या by animal अगर मान लो किसी को खींच रहे हैं, जहाँ पे mechanical system अपन ने work किया, उसके किसी भी stage में electrical energy का उपयोग नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, non electric traction system कहलाएगा या mechanical traction system कहलाएगा. और अगर अपन ये जो driving force है या ये जो tractive force है for moving the vehicle, अगर अपन यूज लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज लेते हैं फॉर दिस पर्पस, देन इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम. अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम भी जनरली दो ग्रुप्स में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में जो है, अपन दो ग्रुप में इसको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ग्रुप तो वो जो सेल्फ कंटेंड व्हीकल्स होते हैं, है ना, जिनमें बैटरी वगैरह, है ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट ग्रुप तो वो है जो जहाँ पे आपका सेल्फ कंटेंड व्हीकल्स या लोकोमोटिव्स हो, जैसे बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव या डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, है ना. दूसरा ग्रुप है वो जिसमें अपन पावर एक्सटर्नली कहीं से ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड ग्रुप में जैसे रेलवेज हुआ, ट्रेनवेज हुआ, जहाँ पे अपन ओवरहेड लाइंस या ओवरहेड लाइंस की सहायता से अपन क्या करते हैं, पावर लेते हैं. तो दो ग्रुप हो गए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में, ठीक है. उसके बाद अपन बात करते हैं कि आप जब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के ऊपर बात करते हैं, तो अपन ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्यों यूज़ में लिया.
वाई वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम. कुछ तो कारण होगा. जब ट्रैक्शन सिस्टम अपन आईसी स्टीम इंजन ले रहे थे, स्टीम इंजन वगैरह ले रहे थे, आईसी इंजन ले रहे थे, या जैसे फॉर एग्जांपल गांव की बात करूँ तो गाड़ियाँ बैलगाड़ी वगैरह यूज में ले रहे थे, तो अपन ने इलेक्ट्रिक सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ी? तो उसके कुछ एडवांटेजेस तो होंगे, इसलिए अपन को उसकी ज़रूरत पड़ी. तो फर्स्ट जो अपन बात करते हैं उसमें जो एडवांटेजेस है वो है क्लीनलीनेस. कोई पोल्यूशन नहीं है. अगर अपन डीजल इंजन यूज़ में लेते हैं तो उसमें अपन को पता है कि बहुत सारा पोल्यूशन वगैरह होगा, स्मोक होगा, ठीक है, कोरोसिव फ्यूम्स होंगे, है ना. तो इन सब को अवॉइड करने के लिए अपन ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम यूज लेना प्रिफर किया. दूसरी बात, मेंटेनेंस कॉस्ट. अपन बात करें कि अगर मान लो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो डीजल इंजन की मैं बात करूं, है ना, तो उसमें 50% ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली टू द इलेक्ट्रिकल इंजन, डीजल इंजन या स्टीम लोकोमोटिव्स वगैरह के लिए जो 50% है वो ज़्यादा वो होगा. दूसरा, स्टार्टिंग टाइम. अगर मान लो मैं बात करूं जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स है वो हाथों हाथ स्टार्ट होंगे, उनके स्टार्टिंग टाइम्स बहुत कम होगा. नेक्स्ट है हाई स्टार्टिंग टॉर्क. जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव्स है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो है बहुत ज़्यादा हाई होगा कंपेरेटिवली टू द स्टीम और डीजल. हाई शेड्यूल्ड स्पीड. हाई स्टार्टिंग टॉर्क होने से बहुत सारे फायदे हैं, है ना. हाई शेड्यूल्ड स्पीड, इंक्रीज्ड ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी, है ना. नेक्स्ट आता है आपका ब्रेकिंग. ब्रेकिंग जो मैकेनिकल जो ड्राइव्स हैं, स्टीम ड्राइव्स हैं, उसके कंपेरेटिवली इलेक्ट्रिक जो लोकोमोटिव्स है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में क्यों आसान होता? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो कि यहाँ पे अपन एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ में ले सकते हैं, है ना. रीजनरेटिव ब्रेकिंग में लगभग 80% ऑफ एनर्जी तो आप जब ब्रेक लगा रहे हो उसी टाइम पे जनरेट हो गई, यानी कि आपका 80% बचत हो गई. उसके अलावा गुड ट्रैफिक एंड ग्रेडियंट बिकम सफर सेफर एंड स्पीडर. मैकेनिकल ब्रेक अपन इसमें बहुत कम यूज़ में ले रहे हैं. अगर अपन रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग यूज़ में ले रहे हैं, मैकेनिकल ब्रेकिंग कम है तो कम मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम होगा. आपका ब्रेक शू, व्हील्स, टायर्स, इनमें जो है लेस आपको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, है ना. अदरवाइज मगर मैकेनिकल ब्रेक लगाता हूँ तो उसमें ब्रेक शू, व्हील्स, टायर्स, इसकी मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वियर एंड टीयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसमें लेस वियर एंड टीयर होगा. दूसरी चीज, सेविंग इन हाई ग्रेड कोल. एक हाई ग्रेड का कोल अपन यूज़ में लेते हैं रेलवेज में, तो वो जो हाई ग्रेड का कोल है वो अपन किसी और जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के लिए. तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा हाई ग्रेड का कोल जो अपन इसमें यूज़ में ले रहे हैं वो कम हो जाएगा आपका, उसमें सेविंग्स होगी. नेक्स्ट, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सिंस हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इज मच लेस देन दैट ऑफ अ स्टीम लोकोमोटिव, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कंपेरेटिवली लो, एंड दैट एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स. इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हैज हायर कोफिशियंट ऑफ एडहेशन सिंस देर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग मासेस एज द As is the case of steam traction. अब advantages के साथ साथ इसमें जो है कुछ disadvantages भी होंगे, जैसे कि जिसके ऊपर बात करते हैं अपन. सबसे पहला जो disadvantages है वो तो आपका यही है कि इसकी maintenance cost भले ही कम है लेकिन जो initial cost है वो जो है बहुत ज़्यादा high होती है. इसको जब आप सेटल करते हो, सेटअप करते हो, तब उस टाइम पे जो इनिशियल कॉस्ट आती है, कैपिटल कॉस्ट आती है, वो ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली टू द अदर्स. दूसरी, कि
अगर बाय द वे पावर फेलियर हो गया, इफ देर आर एनी केस ऑफ पावर फेलियर फॉर फ्यू मिनट्स कैन कोज ट्रैफिक डिसलोकेशन फॉर हावर्स. तीसरी चीज जो कम्युनिकेशन लाइन्स है विच यूजुअली रन्स पैरेलल टू द पावर सप्लाई, दे ऑल्सो सफर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस. नेक्स्ट आता है आपका द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कैन बी यूज ओनली ऑन दोज रूट विच हैव बीन इलेक्ट्रिकफाइड. और अपने को पता है कि अपना जो इंडिया है वहाँ पे इतना हर रूट इलेक्ट्रिकफाइड नहीं हो पाया है अब तक, ठीक है, तो उस जगह पे आपको स्टीम इंजन ही यूज़ लेना पड़ेगा, जबकि या डीजल इंजन यूज़ लेना पड़ेगा, जबकि जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की क्योंकि अपन को पता है अभी तक हर जगह पे हर गांव में बिजली नहीं है अभी तक. नेक्स्ट आता है आपका प्रोविज़न ऑफ अ नेगेटिव बूस्टर. एक नेगेटिव बूस्टर की इसमें जो है रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी, ठीक है.